नमस्कार, मैं हूं रणवीर सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया स्पैन। मैं फिलहाल लखनऊ में मौजूद हूं और ये जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये लोहिया अस्पताल है। आज से, जैसा कि आपको पता होगा कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन आज से स्टार्ट हुआ है, तो हम वही देखने आए हैं कि यहाँ पर कैसे अभी वैक्सीनेशन किया जा रहा है और प्रोसेस क्या है पूरा। जैसा कि हम आपको बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश में करीब 1,40,00,000 जो हैं बच्चे हैं 15 साल से और 18 साल के बीच के, तो ये उन दायरे में आते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अभी जो है अगर कोई आता है यहाँ पे तो उसको कैसे किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं ये वो मेन गेट है, यहाँ से जो भी वो है वैक्सीन के लिए वो यहाँ से एंट्री करेंगे। ये जो है ये एक तरह से रजिस्ट्रेशन डेस्क है और यहाँ पे जो है टोकन मिलता है। आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम राजन है जी। जैसे अगर कोई बच्चा आएगा आज तो कैसे क्या व्यवस्था है उसके लिए? उसके लिए है कि टोकन हमारे पास है, वो अपना बताएगा और अपनी वो दिखाएगा कि हमने आज का स्लॉट बुक किया हुआ है, तो हम लोग उसी हिसाब से उसको टोकन देते हैं और बूथ नंबर 1 पे भेज देते हैं जिससे उनको वैक्सीन लग जाती है। अच्छा, अभी सुबह से अभी कितने लगभग? कम से कम 60-70 लोग जा चुके हैं बच्चे। हाँ जी बताइए। अच्छा, वैक्सीनेशन आपका कौन सा वाला है? 18 प्लस है? हाँ। जी नहीं, 15 से 18 वाला ना, ये ले लीजिए। आप एक नंबर बूथ पे जाएंगे, जैसे अभी आप 18 प्लस हैं, सेकंड डोज या फर्स्ट डोज है? सेकंड डोज है। सेकंड डोज के लिए आप जाएंगे, तो 3 नंबर बूथ पे हैं। आप बात कर लीजिए। आप कब आपने रजिस्ट्रेशन कब कराया था? बस आज ही सुबह। आज ही? कितनी उम्र होगी आपकी? अभी तो मेरी 17 साल हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जैसे आज अभी स्टार्ट हुआ तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपने कराया, तो अभी क्या अभी सोचना है जा रहे हैं? तो सोचना क्या है भाई, सोचे कि अब भाई जैसे देख रहे हैं कि फैल रहा है कोविड, तो हम लोग स्टूडेंट्स के लिए वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जैसे कि अभी 11th चल रहा है, फिर 12th का एग्ज़ाम आएगा, फिर से स्कूल बंद होने वाली स्थिति ना है, बस इसीलिए इसीलिए तो सब कुछ है। ठीक, आप बता रहे थे कि अभी सुबह से कितने लगभग बच्चे आ गए? हमारे वहाँ कम से कम 60-70 बच्चे जब से आ चुके हैं। अच्छा, बच्चे आते ही जा रहे हैं, कोई वो नहीं, पर रुझान अच्छा है? जैसा रुझान बहुत अच्छा है। अच्छा, मेरा नाम ईशान तिवारी है, मेरी उम्र 18 साल है और आज मुझे कोवैक्सीन का पहला डोज लगा है, पहला शॉट, और बहुत स्मूथ और हैसल फ्री एक्सपीरियंस था। और पहले मुझे अंदर टोकन मिला, उसके 10 मिनट के अंदर मुझे वैक्सीन लग गई और निरीक्षण केंद्र में रखा गया उसके बाद। अच्छा, तो अभी अभी ठीक महसूस कर रहे हैं? एकदम परफेक्ट है। अच्छा सर, आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि आपके आपके बेटे हैं उस दायरे में आ रहे हैं? तो हाँ, मेरे 2 बेटे हैं और बड़े बेटे को वैक्सीन लग चुकी है, ये छोटे बेटे 18 वर्ष से कम थे, तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। एक तरह का दिमाग में तनाव रहता था कि वैक्सीन लग जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि निश्चित रूप से जिन लोगों को वैक्सीन लगी है और एक तरह का उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ है और बचत भी हुई है, तो शासन ने बहुत अच्छा किया और बहुत समय से बच्चों को इस बीमारी से सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन का कार्य किया और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, केवल गार्जियन बाहर हैं और बच्चे अलाउड किए जा रहे हैं, बच्चे अपना जा रहे हैं। और तो इसका इंतजार भी था? हाँ, निश्चित रूप से इंतजार था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं, दो डोज लगवा चुके हैं और हमारे बड़े बेटे ने लगवा लिया है, तो ऐसे में एक खुद को भी कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने 2 डोज वैक्सीन की कर ली है और हमें इंतज़ार था कि हम हमारे बच्चे को भी लग जाए तो कम से कम हमारी पूरी फैमिली सेफ हो जाए। और वैक्सीनेशन से निश्चित रूप से ये जीवन की रक्षा हुई है, इसके बारे में कोई संकोच नहीं है और ये ज़रूरी था, हमें इसका इंतजार भी था। शिवार्क सिंह। उम्र बताइए अपनी। 17। तो अभी ये जो स्टार्ट हुआ है कोरोना वैक्सीन आज से बच्चों के लिए, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप अभी? ठीक है, अच्छा है, मोटिव है, ज़रूरी है एक्चुअली, कोविड कई फॉर्म्स में आ सकता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना ज़रूरी है एक्चुअली, मेन पॉइंट तो हम लोग का ये होना चाहिए कि इम्यूनिटी स्ट्रांग और ये इम्यूनिटी बूस्ट करिए तो ज़रूरी है। तो अभी कौन सा लगा है आपको वैक्सीन? ये फर्स्ट डोज, अभी कोवैक्सीन। कोवैक्सीन लगा है? अच्छा, तो इसका इंतजार भी था, ऐसा कुछ था? हाँ, मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा मतलब उससे कि जैसे आएगी वैसे लगवाएंगे, तो भाई मैं हाफ डे करके स्कूल से आया। अच्छा, तो अभी अभी लग गई, अभी आप ठीक महसूस कर रहे हैं? टोटली परफेक्ट।